का जो है आज क्या है, मैन है ना, आज मेरे बड़े भाई के जो है मैन है, बताइए इनके जेठ जी का मैन है। फर्स्ट दोस्तों आज मेरे YouTube चैनल पूरे पूरे 1.5 मिलियन कोई रिएक्शन नहीं भाई, 1.5 मिलियन में 1.5 के व्यूज आए। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त राहुल। शुरू करते हैं आज की मस्त वाले ब्लॉग को। और क्या होता है ना, आज स्पेशल ऐसा है ना भाई लोग, जो बताने वाला हूं मैं आपको, उससे पहले कि हेलो आपसे बोल रहे हैं, अपना जो 1.5 के जो है पूरा हुआ आज, एक व्यूज गया पूरा, पता नहीं इनका कोई रिएक्शन नहीं है। चलिए, हमको थोड़ा काम ये है ना कि थोड़ा सामने पूरे जो सामने फ्रंट पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर्दा लगाना, तो चलिए सबसे पहले पर्दा लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कुछ खास बात, बहुत ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कैमरामैन के साथ। अरे कैमरामैन इधर, चलिए शुरू करते हैं। तो कैमरामैन के साथ जो हम लोग चल रहे हैं, सबसे पहले आपको मोस्ट वांटेड दिखाते हैं कि इधर अपनी बाइक खड़ी है, और भाई सबसे पहले जो है ट्रैक्टर जो है लगभग 80% करीब करीब तैयार हो चुका है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है। कैमरामैन इधर आओ, हेलो आपसे ही बोल रहे हैं। तो गाइस कैमरामैन अभी आ रहे हैं भाई लोग, तो इसके बाद हम थोड़ा वहाँ जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर्दा लगाएंगे, यहाँ से जो है अच्छा खासा व्यूज आ रहा है। इधर हमारे यहाँ जो सड़क है हमारे घर की, तो चलिए चलते हैं। गाइस काम हो गया। चलिए इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं जो आपको ज़रूरी बतानी थी। तो भाई इधर से आप लोग देख सकते हैं जो है पर्दा एक तरफ लग चुका है। अब मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात बताया हुआ था वो बताने वाला हूँ अब भाई लोग। उससे पहले बताऊँ यार कि मैं ना कल शेविंग कर रहा था, उसमें दिक्कत ये हो गई ना, मैं थोड़ा मूछ को थोड़ा सेट कर रहा था। अब परसों वाले ब्लॉग आपने देखा हो मेरी मूछें थी, लेकिन मैं सेट कर रहा था, गड़बड़ हो गई और एक कट गई, इसने गड़बड़ा है, इन्होंने जो है उसको थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा ख़राब हो गया। और सेकेंड बात यह है कि मेरा जो है बड़े भैया का जो है आज क्या है, मैन है ना, आज मेरे बड़े भाई के जो है मैन है, बताइए इनके जेठ जी का मैन है। फर्स्ट होंगे जिनके जेठ जी का जो शादी बाद में हो रही है। तो चलिए जो है ब्लॉग को आप बने रहिए, और भी कुछ चीज़ आपको दिखाएंगे तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। गाइस जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो पर्दा वर्दा लगा दिया, और भाई मेरे भाई साहब का जो है आज मैन नहीं था, मैन पूजन था, अभी इन्होंने बताया, जो भी इनका थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई और ये लेट गई, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि तबीयत क्यों हुई ख़राब हुई, लेकिन ये नहीं बताऊँगा जब तक आप लोग कमेंट में पूछेंगे नहीं क्यों खराब हुई, तो बाद में बताऊँगा। अभी सिर्फ इतना जान लो आप कि मैं जो बाज़ार जाने वाला हूँ, उससे पहले डुबा डुबा से मिलते हैं। तो डुबा डुबा एक डुबा डुबा मतलब अपने नाम से तो जान आ डुबा 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 डुबा। तो चलिए जो हम थोड़ा सा काम कर लें, तो उसके बाद चलते हैं बाज़ार। तो भाई लोग ऐसा है ना कि दिक्कत वाली बात ये होगी, मैं जो है वापस वहाँ से आ चुका हूँ बाज़ार से, उसके बाद मैं घर पे आया, मैंने देखा कि यार दूध जो है ये फट चुका था, तो मैंने सोचा शक्कर जो है इसमें डाल के थोड़ा सा टेस्टी बना के इसको पी लिया जाए, क्योंकि नहीं तो दूध जो है बहुत महंगा है, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन भाई लोग एक दिक्कत ये आती है यार, पता नहीं कि गर्मी में दूध इतना फट ही क्यों जाता है, गर्म भी करो कुछ भी करो लेकिन गर्मी में फट ही जाता है। मैं टेस्ट करके देखता हूँ, वाह अभी ट्राई करो, दूध जो थोड़ा सा फटने लगे ना उसमें थोड़ा शक्कर डाल दे उबाल, तो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो ए गाइस जो है ऐसा हो चुका है भाई लोग कि भैंस गुम हो गई। आप सिर्फ यहाँ का साउंड सुनो, मैं ऐसी अलोन जगह पे आ चुका हूँ कि आप देख सकते हैं आप कोई नहीं, दूर दूर तक देख सकते हैं आप, ना कोई घर ना कुछ, काफ़ी दूर दूर तक आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो भाई लोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त गए थे हम बाज़ार से, उसके बाद जस्ट पता चला कि जो है फिर से भैंस गुम होगी। भाई साहब हफ्ते में ना 2-3 बार तो अपनी भैंस ही गुम जाती, और ऐसी जगह पे आती है ना कि जो है घर से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर है, और मैं यूँ ही
पैदल 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 चलता रहो ढूंढता रहो। हालांकि मिल गई है आपको, यहाँ कुछ व्यूज दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो साला फ़ोन मिल जा रहा है यार, देख सकते हैं आप पीछे का। आपको जो इससे बैक नज़ारा दिखाते हैं, शायद पीछे आपको साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन फिर से जो है बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको कितना अच्छा लग रहा है। असम व्यूज आ रहा है यहाँ का, चलिए आप ब्लॉग में ऐसे ही बने रहो। इनके भी दर्शन हो गए, ओए ये कितना प्यारा है। हाँ कल कितना प्यारा डॉगी भाई बुलाने पे आ गया, ना जानता है ना कुछ, बस प्यार से बुलाने पे आ गया है। कालू 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 तो भाई लोग यहाँ से आपको कुछ ऐसा पहाड़ टाइप दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा ऊंचे मतलब कहीं ऊंचाई जगह पे चढ़ के आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो है औसम औसम सा व्यू कैसा कैसा दिख रहा है भाई लोग। चलिए दिखाते हैं इधर अपनी भैंस गाय। भाई साहब इनको जो आना होता ना सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही आके इनको घास मिलेंगी, उससे पहले नहीं मिलने वाली कहीं पे भी। तो गाइस आपको दिखा रहे हैं यहाँ का सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है, यहाँ पर देखिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ एक जो है ये अस्पताल आपको दिख रहा है। इसके एक दिन मैं इसका व्लॉग बनाया था आपको दिखाया, पर आप वहाँ अपने व्लॉग में इंटरेस्ट लिए। उसके बगल में आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ का तालाब जो कि बहुत बड़ा है। और देखते हैं यहाँ से इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर गाज उतनी दूर तक वहाँ तक भागा इस तालाब में, बहुत दूर तक, ये करीब करीब यहाँ इससे 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा। फिर इधर देखिए, पर ऐसे 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 इधर भी करीब सामने फ्रंट पर 1-1.5 किलोमीटर बहुत दूर यहाँ से भी है। इधर फिर यहाँ तक इधर पे एक कुंडा धाम, इधर देखो यहाँ कुंडा धाम भगवान शिव का बहुत ही बड़ा मंदिर है। कई दिन ब्लॉग में आपको दिखाएंगे, चलेंगे पुष्पा जी के साथ तो आपको दिखाएंगे वहाँ पर ब्लॉग। इसके बाद इधर गाँव है, कोई तरफ दिख रहा था भाई। और भाई लोग अब इधर मंडली भी आ गई, वो कालू वाली आपने दिखाया था ना हमने आपको थोड़ी देर में, यहाँ एक कालू आए थे कितना प्यारा डॉगी था ना भाई। तो चलो, तो भाई आपने देखा था ना कितना प्यारा यार डॉगी था। और आपको जो है यहाँ कुछ सीन मैंने दिखाया, इतना बड़ा तालाब गाइस आपने कभी भी नहीं देखा होगा, इतना बड़ा जो है तालाब जो कि करीब करीब नहीं तो मेरे हिसाब से 4-5 किलोमीटर की रेंज में तो होगा, 5 तो मान के चलो आप, 5 किलोमीटर की रेंज में होगा, इतना बड़ा तालाब है भाई। इसके बाद यहाँ पे अस्पताल भी जो कि अभी तक बनी नहीं, बंद तो गई लेकिन स्टार्ट नहीं हुई, और इसके बाद इसका काम भी डिले ही है, मतलब आ गए बन गए सब कुछ हो गया, लेकिन डॉक्टर ने किस लिए कि यहाँ पे भूत रहते इस वजह से नहीं है, और ये दोबारा फिर से कभी स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद पता नहीं क्या क्या हुआ, इसका जो सामान कुछ लोग कहाँ कहते कैसे तो तोड़ ले गए, उसके बाद अभी तब से बंद पड़ी है। तो किसी दिन आपको फुल ब्लॉग दिखाएंगे उस जो है अस्पताल का, कि इसमें क्या 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 कितने रूम है। भाई साहब मैं घूम के आया, इतने रूम इतना टोटल पैसा वेस्ट हुआ सरकार का। तो चलिए ये सब बात की बातें हैं, तो चलिए हम आप भैंस यहाँ पे जो घर ले जाने गए थे, चलिए अब हम वही करते हैं। तो आप इसे ब्लॉग में बने रहिए और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई लोग देखो इतना बड़ा बरगद का पेड़ भाई, इतना बड़ा बरगद का पेड़ भाई देख सकते हो। और इधर गाइस इतने पास से आप देख सकते हैं, यहाँ इतने पास से भाई लोग जो है मंदिर के पास हम लोग आ चुके हैं, लेकिन भाई लोग इतनी शाम हो चुके हैं ना, करीब कोई 7 बज चुके हैं, तो हम जो है यहाँ पर काफ़ी देर दो है और समय नहीं बता सकते, क्योंकि किसी और दिन जो है समय निकाल कर आएंगे आपको मंदिर तो दिखाते हैं। आपको थोड़ा सा दिखेगा शायद यहाँ से जूम करने पर, अरे यार फट रहा है वो मंदिर आपको दिख रहा है, वाह उधर वो रहा मंदिर, उसकी क्लोज और भी मंदिर है भाई, उसके बाद क्लोज में, तो किसी और दिन आपको यहाँ का ब्लॉग आपको दिखाएंगे। ओ भाई लोग इतने ज़्यादा जानवर की अगर आपको कोई ज़रूरत हो ना तो आप मुझे बताइए, आपको इसमें से जो भी चूज़ करेंगे, इसको चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, सब जो चाहिए उठा ले जाइए, सब फ्री में इस वक्त यहाँ तालाब पर सब फ्री में। घर पर जाने के बाद भाई पैसे लगेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है फ्री हैं भाई। गर्दा मचा दिए, गर्दा देखो एकदम पूरा दौड़ दौड़ के जानवरों ने। मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं तो काम आपको दिखाना है ना ये ए